हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू सिंह। मैं आप लोगों के बीच मैथ ग्रुप वाई के लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि ये एक चैप्टर है जो बोलते हैं लोग कि काफी टफ है, तो हम लोग यहीं से करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे जिसमें आगे चल के दिक्कत होता है। तो एक दिक्कत सबको होता है टाइम एंड डिस्टेंस में कि किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड चेंज करने में सबको दिक्कत होता है कि 18/5 कोई बोलता है या फिर 5/18 भूल जाता है लोग, 18/5 होगा कि वो होगा। आइए उसको हम करते हैं पहले क्लियर। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी गाड़ी का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे किस चीज से गुना होगा, 5/18 से कि 18/5 से? तो देखिए अगर याद रहेगा, देखिए प्रैक्टिस करते करते आपको बाद में याद हो जाएगा कि 18/5 से गुना करना है कि 5/18 से। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, 1000 मीटर। तो 36 किलोमीटर में इसमें 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और घंटे को चेंज करना है सेकंड में, तो एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। कैसे, एक घंटा में होता है सबसे पहले 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड। किलोमीटर को चेंज कर दिए मीटर में और घंटे को चेंज कर दिए सेकंड में। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर बच गया 10, नीचे हो गया 6 × 6 = 36, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, ऊपर बच गया 5 और नीचे कितना हो गया 6 × 3 = 18, 5/18। इसी को लोग हम लोग करते हैं डायरेक्ट, इसी को हम लोग कभी भी क्वेश्चन में आता है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो ये 5/18 कैसे आया आप लोग देख लिए, इसको अगर याद रखिएगा तो ये कभी नहीं भूलिएगा, बस इसको याद रखना है। और डायरेक्ट यहां से कर देंगे 18 × 36 = 2 × 5 = 10, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ऐसे भी करेंगे तो इतना ही आएगा 10 मीटर, ठीक है, आगे समझ में। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होता है, और सब तो बाकी सब इजी है, और कोई चीज में दिक्कत नहीं होता है। फिर दिक्कत होता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसको कैसे होगा। तो जिसे मान लीजिए इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है हमको किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किस चीज से गुना किए थे, 5/18, और फिर 10 मीटर पर सेकंड को उसमें चेंज करने के लिए किस से गुना करेंगे, 18/5। डायरेक्ट यहां से करेंगे 5 × 10 = 18 = 36, 36 किलोमीटर पर आवर। अब आप पूछिएगा कि 18/5 कैसे आ गया, जैसे वो 5/18 हम किए थे सॉल्व, वो कैसे आ गया, ठीक है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है हमको किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले 10 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए नीचे करेंगे 1000 मीटर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 मीटर से नीचे भाग देते हैं, और फिर सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए क्या होता है, ऊपर किस चीज से गुना करेंगे, 3600, 60 × 60, 60 मिनट, उसमें 60 सेकंड, दोनों को जोड़ देंगे तो गुना कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10, 2 × 18 = 36,
18 बटे 5, यही वाला चीज यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 18 बटे 5। कैसे आया आगे समझ में, तो डायरेक्ट 18 बटे 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपके ऊपर ये है, आप इसको याद कैसे रखिएगा, अब आप इसको याद कैसे रखिएगा कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 होता है, ये आपको किसी तरह याद करना है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18। देख लिए, अब आपके ऊपर है आप इसको याद कैसे कीजिएगा कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से, फिर से किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से। तो इसका भी एक अपना अपना आइडिया है याद करने के लिए, एक मेरे पास आइडिया है, अगर उस आइडिया से आप याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं, कभी भी एग्जाम के टाइम पे अचानक आ जाएगा तो भूलिएगा नहीं। देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, चलिए किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए कैसे इसका होगा निपटारा, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से होता है मल्टीप्लाई, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटे 5, और किलोमीटर और मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए होता है 5 बटे 18। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटे 5, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18। अब देखिए, मीटर बड़ा होता है कि ये किलोमीटर, तो देखिए किलोमीटर ज्यादा होता है, मीटर किलोमीटर का यूनिट ज्यादा होता है मीटर से, तो जिसका यूनिट ज्यादा है तो समझिए ऊपर वाला ज्यादा जो है वही वाला है किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए, और मीटर छोटा है तो 5 बटे 18 रहेगा इसके लिए, मीटर के लिए। अगर ये देखिए, अगर ये आइडिया सही है तो आप लोग लिख लीजिए, इसी से याद कीजिएगा, ये सबसे आसान लगता है हमको, हम इसी से याद किए, हम भी पहले भूल जाते थे, हम इसी से याद किए हैं, ठीक है। चलिए, देखिए एक और क्वेश्चन इस पे, छोटा सा क्वेश्चन देखिए, 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, मीटर जो कि किलोमीटर से छोटा है, चेंज किस में करना है, मीटर, इसको नहीं देखना है कि ये किस में है, चेंज ये देखना है हमको कि चेंज किस में करना है, चेंज करना है हमको मीटर पर सेकंड में, तो मीटर तो छोटा होता है तो छोटे वाले से कर देंगे गुना 5 बटे 18, इसके बाद तो आप लोग हो जाएगा सब कैलकुलेशन, 3×72 = 20 मीटर पर सेकंड, आइए समझ में। अब देखिए, मान लीजिए 80 मीटर पर सेकंड, अब 80 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, हमको ये देखना है कि किसी भी चीज को चेंज किस में करना है, तो चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या बोले हैं, 18 बटे 5, किलोमीटर ज्यादा होता है मीटर से तो ज्यादा वाला, तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई 16 बार में जाएगा, और 18 × 16 यहाँ पे लिख दीजिए, 288 किलोमीटर। देखिए, मौसम को ये देखना है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मीटर छोटा है तो 5 बटे 18, ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाला छोटा रहना चाहिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो छोटा वाला, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 बटे 5। चलिए इसको लिख लीजिए, चलिए हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस में यही एक दिक्कत होता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने में दिक्कत होता है, ये हो गया। अगर अब भी दिक्कत हो तो कमेंट में कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एयरफोर्स ग्रुप वाई में कोई ज्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं रहता है टाइम एंड डिस्टेंस, हम उतना लेवल लेके चलेंगे, अगर आपका लेवल यहां से यहां तक है, टाइम एंड डिस्टेंस का लेवल अगर यहां से यहां तक है, हम यहां तक चलेंगे,
ताकि ये आसानी से हो जाए। हम लेवल ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा लेवल, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, एकदम इजी इजी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लेवल आप एयरफोर्स ग्रुप वाइज यहाँ से यहाँ तक का है तो हम लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे ताकि ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास करने के बाद आप बुक सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम यहाँ पे बताएं और सॉल्व कीजिएगा बुक तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप, तो टाइप वन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में आता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि ट्रेन एक खंभे को क्रॉस कर रही है, इतने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं, ट्रेन की चाल बताएं, ट्रेन किसी पुल को इतने देर में क्रॉस कर जा रही है तो पुल की लंबाई बताएं, ट्रेन का चाल बताएं, ट्रेन की लंबाई बताएं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है और इसी टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स ग्रुप वाई में भी आता है। तो सबसे पहले हम सोचे टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे पहले वही वाला टाइप स्टार्ट करें। तो चलिए टाइप वन लिख लीजिए। राइटिंग इतना अच्छा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, या फिर हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन केवल डाटा लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक खंभे को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, मतलब पार कर जाती है। यहाँ पर एक खंभा है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, इस खंभे को यहां से क्रॉस करने में 10 सेकंड लगता है, कितना लगता है 10 सेकंड, जिसका चाल है, जिस रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक खंभे को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो हमें निकालना यह है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। देखिए सबसे पहले रेलगाड़ी का निकालना है लंबाई, तो देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 10 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है, 10 सेकंड में क्रॉस करती है और इसका स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर प्रति आवर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है खंभे को, तो और इसका स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे चेंज। तो बताइए 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किस चीज से करते हैं गुणा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर मतलब छोटा, किलोमीटर से छोटा, तो छोटे वाले हम मतलब 5/18। बहत्तर 4×5=20 मीटर प्रति सेकंड इस ट्रेन की चाल भी मीटर प्रति सेकंड में। चलिए 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब वो ट्रेन एक सेकंड में 20 मीटर जाती है। 20 मीटर प्रति सेकंड का चाल का मतलब ये होता है कि वो ट्रेन एक सेकंड में 20 मीटर जाती है और एक खंभे को उसको क्रॉस करने में लग जाता है 10 सेकंड। अगर हम एक सेकंड में एक मीटर जाएंगे तो 10 सेकंड में 10 मीटर, अगर हम एक सेकंड में 2 मीटर जाएंगे तो 10 सेकंड में 2×10 20 मीटर। तो एक सेकंड में कोई ट्रेन 20 मीटर जाती है तो 10 सेकंड में कितना जाएगी, गुना कर देंगे 20×10 200 मीटर। अगर कोई ट्रेन एक सेकंड में 20 मीटर जाती है तो वो 10 सेकंड में कितना जाएगी, एक सेकंड में 20 जाती है तो 2 सेकंड में 40, 3 सेकंड में 60, ऐसे 10 सेकंड में जाएगी कितना, 20×10 200 मीटर। इसका मतलब कि एक खंभे को वो 10 सेकंड में क्रॉस करती है, इसका मतलब कि वो 200 मीटर क्रॉस कर जाती है तो खंभा क्रॉस हो जाता है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। समझे, खंभा एकदम छोटा सा होता है, एकदम पतला, तो उसका कुछ भी नहीं देते, बस
ये जितना टाइम लगेगा इसको पार करने में 10 सेकंड लगा और 1 सेकंड में जाती है 20 मीटर, तो 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है इसको, तो 200 मीटर। उस ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 200 मीटर। कोई दिक्कत? एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी। यही हमारा पहला टाइप है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपके पास देंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे, और उसके बाद हम आपको देंगे 10 या 12 क्वेश्चन सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए। ये 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस वाला 10 क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि एयरफोर्स ग्रुप वाई तो नहीं, किसी भी एग्जाम में इससे ऊपर नहीं आएगा। इससे नहीं मतलब अभी और जो बताएंगे, इससे ऊपर किसी भी एग्जाम में इस टाइप से नहीं आएगा। अगर उपाय तो आप देखिएगा ऐसा ही और मारिएगा टिक। चलिए, इसी टाइप का सारा सवाल है, थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा, घबराना नहीं है, ज्यादा नहीं घुमाएगा। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आता है सब आपको अभी हम देंगे बोर्ड पे, और इसी से मिलता जुलता हम आपको देंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि आप बनेगा। बहुत हो रहा है पसीना, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का, ज्यादा हार्ड नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, नीचे से हम लोग जाएंगे ऊपर। चलिए, क्वेश्चन एक लिख लीजिए। मान लीजिए एक ट्रेन का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक खड़े व्यक्ति को वो एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। एक ट्रेन जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, उस ट्रेन की लंबाई निकालें। अब देखिए, अब घबराना नहीं है सर, तो खंभा का क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे आदमी कहाँ से आ गया? अरे भैया, आदमी तो खंभे के जैसा ही है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। आदमी बोलेगा, आप पेड़ बोलेगा कि एक पेड़ को क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है, कुछ भी बोल देगा, तो घबराना नहीं है, बस वही तो खंभे के टाइप है। तो एक आदमी को क्रॉस करने में उसको लगता है 20 सेकंड। सबसे पहले हम क्या बताए हैं, 20 सेकंड सेकंड में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, जो कि किलोमीटर पर आवर से छोटा होता है, तो उसको हम बताएं कितनी बार की 5/18 से कर देंगे गुना, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसका चेंज होगा, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड। इस ट्रेन का स्पीड हो गया, इस ट्रेन की चाल हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड, और एक खड़े आदमी को कितने देर में कर रहा है क्रॉस, 20 सेकंड में, कितने देर में, 20 सेकंड में खड़े आदमी को। तो मान लीजिए कोई ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 25 मीटर, और वो 20 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है, एक आदमी को 20 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है, तो 1 सेकंड में अगर 25 मीटर जाती है तो 20 सेकंड में कितनी जाएगी, गुना कर दीजिएगा, ऑफकोर्स एकदम गुना कर देना है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, 25 × 20 कोई ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है तो 20 सेकंड में 5 मीटर जाएगी, इसका मतलब कि वो 500 मीटर दूरी तय करने के बाद वो ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर जा रही है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। आसान है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल तो रहे यहीं पे घुमाएगा। इस क्वेश्चन में क्या घुमा दिया, खंबे के जगह पे आदमी को दे दिया, डाटा चेंज हो गया, 72 के जगह पे 90 हो गया, बस यही थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा और कुछ नहीं। इसको उतार लीजिए, हो गया। इस टाइप का 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, आज के लिए बस इतना ही। 1 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, और जो भी जितना जल्दी सॉल्व करे सबसे पहले कीजिएगा कमेंट, और कल जो सबसे पहले कमेंट करेगा 2 लोग उसका हम लेंगे यहाँ पे नाम, ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, अभी सॉल्व कीजिए और जल्दी से उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। चलिए एकदम आसान सवाल, मान लीजिए एक ट्रेन का स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन का स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक पेड़ को क्रॉस करने में 12 सेकंड लगाती है। एक ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक पेड़ को क्रॉस करने में 12 सेकंड लगाती है, तो आपको ये बताना है उस ट्रेन की लंबाई। चलिए यही क्वेश्चन है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो जल्दी करे इसको सॉल्व कमेंट कीजिए। ठीक है, बाय।